फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G24 पावर को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का ही पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G54 5G इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 4000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मोटो G24 पावर खासकर कनेक्टिविटी परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो G54 5G से काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G24 पावर में मीडियाटेक का हेलो G85 का ही एक 4G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G54 5G, क्योंकि एक तरफ मोटो G24 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 2,66,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,78,000 निकल के आता है। तो इस फोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पर मोटो G24 पावर में एवरेज क्वालिटी की ही डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6.56 इंच की सिर्फ HD+ पांच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD+ पांच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन एक जैसा मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी कैमरे के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G54 5G, क्योंकि 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G54 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G24 पावर के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए, दोनों स्मार्टफोन वैसे तो एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी सेल्फी के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है मोटो का G54 5G, क्योंकि मोटो G54 5G में कम अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G24 पावर में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। उनका अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो काफी फास्ट भी आता है मोटो का G54 5G, क्योंकि एक तरफ मोटो G24 पावर में eMMC 5.1 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में 4000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G24 पावर में भी 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में बिग बैटरी के साथ साथ ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को मोटो G24 पावर की तरफ जाना चाहिए। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, अगर आप लोग भी 10,000 रुपए से कम के प्राइस में नया 8GB रैम वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, 5G स्मार्टफोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ, तो आप लोगों को मोटो G24 पावर की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग कम से कम प्राइस में एक 5G ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, इसमें गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, फोटोग्राफी के लिए OIS वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाए, बिग बैटरी के साथ साथ ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 4000 रुपए ज्यादा खर्च करके मोटो G54 5G को ही बाय करें।